Assalamualaikum, three students, grade three students. How are you doing today? Hopefully, everybody is doing all right. All right, guys. Today we are going to be starting or learning something about fractions. What is it? Fraction. What is a fraction, by the way, guys? When I say fraction, what comes to your mind? Anybody? Nope. See, we have a complete, what you guys call it, one unit. Aise hi hota hai. Complete unit. Theek hai? Aur fraction is ke how many parts are we divided that whole thing into? Ke hum ek puri cheez hai, uske kitne parts kar rahe hain, we call it fraction. राइट बेटा, तो फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि एक पूरी चीज या होल थिंग है उसके कितने पार्ट्स हमने किए हैं. राइट, टू लर्न और टू गेट द बेसिक्स आउट ऑफ इट, लेट्स स्टार्ट विद दिस पेज नंबर 5 एक्सरसाइज. बेटा, फर्स्ट इज टिक द शेप्स दैट आर कट इन हाफ, दैट आर कट इन हाफ. तो इसका मतलब क्या है हाफ? तो कितने इसके स्लाइसेस किए या पार्ट्स किए हमने? टू पार्ट्स किए. राइट, हाफ में तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? वन बाय टू. यानी कि टू क्या है? वन ऊपर है, वन क्या है? एक पूरा यूनिट है, उसके कितने फ्रैक्शन किए? टू फ्रैक्शंस किए. राइट, टू पार्ट्स किए. राइट, हमने देखना है कि टिक द शेप्स दैट आर कट इन हाफ, जो हाफ में बिल्कुल कट है, यानी उनका जो ग्रे एरिया है और जो ब्लैंक एरिया है दैट इज सेम. इज इट सेम हियर इन दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट ट्रायंगल? दिस पार्ट इज स्मॉलर देन बिगर वन, सो इट कैन नॉट बी हाफ बेटा, इट कैन नॉट बी हाफ. यस, दिस लुक्स लाइक हाफ, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक हाफ. No, but yes. So these three shapes, 1, 2, and 3 shapes are cut in half. Are cut in half. Right, beta? Okay, now moving to the next one. Color 1/2. What is it? 1/2 of each shape. 1/2, yani ke do hisse karne hain. Right? Ab, it has 4 parts. 1, 2, 3, 4. 4 ka half kitna hoga? 2. तो इन 2 को आपने कलर करना है, इसमें से एक को कलर करना है, इसमें से भी एक को और इसमें से भी एक को. दैट इज हाफ, दैट इज हाफ. राइट गाइस, इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इन हाफ. राइट, लाइक इट 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 on each side of the line. You can draw a line here. 3 on this side, 3 on this side. You can draw a line here. 6 on this side, 6 on this side. Draw a line here. Or you can draw a line here too. Like 5 one side, 5 on other side. Tick the shapes that have 1/4. 1/4 means 1/4. 1/4 mean 1/4. Right? Yani ke ek पूरे होल के फोर्थ पार्ट पे. राइट, पूरे होल के एक पूरा कंप्लीट जो यूनिट है उसका फोर्थ पार्ट. टेक द शेप्स दैट हैव 1/4 शेडेड. इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4. और कितना शेडेड है? 1/4. ये 2/4 है शेडेड, हाफ शेडेड है ना. ये 1/4 शेडेड है. राइट, और ये भी 1/4 शेडेड है. 1, 2, 3. बट दिस इज नॉट शेडेड 1/4. Right, beta? Is everybody clear? Good job. Let's go on and get some more idea about fractions. What fraction of these of the shape has been colored? 1/2, yani half or quarter? Let's see. They say isme 1, 2, 3, 4. To kitna unit? 4 mein se 2 hain. To half hua 1/2, right? Ye kya hai? 1, 2, 3, 4. तो सिर्फ एक शेड है तो क्या होगा?
1 by 4, ये भी कितना होगा 1 by 4, ये भी 1 by 4, ये 1 by 2 और ये भी 1 by 2, 1, 2, half shaded है, right? Clear बेटा? Is everybody clear? Moving to the next one, color half or 1/4, the box tells you which. अब इसका 1/4 आपने shade करना है, right? अब इसके यूनिट बनाए 1, 2, 3, 4, ये 4 फ्रैक्शंस हो गई इसकी, राइट? कौन सा करना है 1, तो ये वाला होगा, राइट? क्लियर? क्लियर बेटा? सिर्फ एक कोई भी इन फोर्थ में, 4 में से कोई भी यूनिट को आप कलर कर दो. अब कह रहा है 1/2 यानी हाफ. 1/2 क्या होता है? हाफ. 1/4 क्या होता है? क्वार्टर. तो इसमें से हाफ, ये वाला हाफ कर सकते हो, ये वाला हाफ कर सकते हो, या ये वाला पूरा हाफ कर सकते हो, राइट बेटा? इसमें 1/4 लाइक ये 1, 2, 3, 4, तो इन चारों में से एक करना है, राइट? विच वन यू डू इट्स अप टू यू. और 1/2 या हाफ, ये एक हाफ है और ये एक हाफ है, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, राइट? इज दैट क्लियर बेटा? गुड जॉब. मूविंग टू द पेज नंबर 7 गाइस. व्हेन अ ग्रुप, लेट्स मोर लर्न मोर अबाउट फ्रैक्शंस बेटा. When a group or an object is divided into quarters, it has कितने parts होते हैं? 4. Quarter जब में divide होगा तो इसके 4 parts होंगे. Half में divide होगा तो कितने parts होंगे? 2 parts होंगे, right? बात समझ रहे? Quarter में divide होगा तो कितने part होंगे? 4 parts होंगे. Half में divide होगा तो 2 parts होंगे. Clear बेटा? Good. Okay. अब क्या है? Said spacewalker has divided his pencil. Divided his pencil. Pencil collections into quarters. Quarters में divide कर दिया, यानी कि देखिए कितनी है, 12 pencils हैं, 3, 3, 3, 3, 4 parts में इसको divide कर दिया. How many pencils are together? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो 3 का part है, तो 3 multiply by 4, तो कितनी होगी? 12. Very good job, guys. Very good job. Okay, draw lines to divide these collections into 1/4. कितने में करना है? Quarter में, right? अब पहले we need to count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 16 को 4 parts में divide करोगे तो कितनी कितनी एक quarter में आएंगी? Right, 4 each एक quarter में आएंगी, right? कितनी कितनी आएंगी? 4 each. This one, this one, this one, ये हमारे 4 quarter बन गए. 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter and 4 quarter. Right beta? Same is the case with this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stars हैं. तो 8 stars को quarter में divide करना है. Right? तो कितने बनेंगे? 2 in each. Right? 1, 2, 3, 4. Right? ये एक क्वार्टर हो गया, दो क्वार्टर, थ्री क्वार्टर्स एंड फोर क्वार्टर्स. आई वांट यू गाइस टू डू दिस बेटा, कंप्लीट दिस पेज नंबर 7. ओके ओके, वी कैन डू दिस. दिस इज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू दिस वन टू. नथिंग डिफिकल्ट इन इट, राइट? पेज नंबर 8 पे भी देयर इज नथिंग न्यू. सिच स्पेसवॉकर लाइक्स कलरिंग बेटा पार्ट्स ऑफ शेप्स. अब इसमें कितना है? हियर ही हैज कलर्ड 1/4, राइट? कितना कलर किया? 1/4. नाउ ही हैज कलर्ड 2/4, 1, 2. यहां पे 1, 2, 3, 3/4, राइट? क्लियर? तो 1/4 को हम किस तरह लिखेंगे? 1/4. कैसे लिखेंगे बेटा? हाउ वुड वी राइट 1/4? 2/4 को 2/4, 3/4 को 3/4. 3/4 means क्या है? 3 parts of 4 equal parts. 3 parts of 4 equal parts. ये कितने equal parts हैं? 1, 2, 3, 4. और इसमें से कितने parts colored हैं? 3, right? 3 parts of 4 equal parts. That will be what? 3/4, right बेटा? Clear? Now, tick the shapes in which 3/4 of the figure has been colored. इसमें तो 3/4 नहीं है, इसमें तो 1/2 है, या 1/2 है ना, 1, 2, 2 parts हैं, एक shade है, तो ये क्या होगा? 1/2.
इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3/4 वहां पे होगा जहां पे फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो कितने शेडेड हैं? 3, तो ये शेप 3/4 है, राइट? यहां पे भी सेम 1, 2, 3, 4 एंड 3 शेड्स आर कलर्ड, राइट? यहां पे 1/4 कलर्ड है, 1, 2, 3, 4, लेकिन 1/4 कलर्ड है। यहां पे भी 2/4 कलर्ड है, 2/4 नॉट कलर्ड, यहां पे भी 2/4। सो कौन सी शेप्स हैं जिन पे 3/4 कलर्ड है? एक ये थी एंड द अदर वन वाज दिस, राइट? अब ये क्वेश्चन आपने करना है, शेड 3/4 ऑफ ईच शेप। इसमें भी 3/4, इसमें भी 3/4, इसमें भी 3/4, इसमें भी 3/4 आपने शेड करना है। ऑलराइट क्लास 3, दैट बी इट फॉर टुडे बेटा। आई वांट यू गाइस टू कंप्लीट फ्रॉम पेज नंबर 5 टिल 8। दिस इज ऑल रिवीजन व्हाट यू हैव लर्नड इन ग्रेड 2-2, and I want you guys to just color and enjoy it and understand the fractions. If you have any problem, do let me know. Take care, beta. Bye.